बेनिफिट इसमें ये था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये किया गया है, पहले क्या था कि एक स्टेज बनाई हुई थी, जैसे 1 से 8 का तो एक जैसा स्टेज मान लिया गया है उसको। अब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं है या आगे हायर क्लासेज है, अब बच्चा जहाँ पर भी पढ़ाई कर लेता है, जहाँ पर भी छोड़ देता है, उसको उसी लेवल का सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया जाएगा। मान लो बच्चा प्लस टू के बाद 1 साल कॉलेज में जाता है, फर्स्ट ईयर करता है, सेकंड करता है, फाइनल नहीं करता, यानी बीए नहीं करता, तो हम उसको पहले प्लस टू ही मान लेते थे। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि जहाँ तक पढ़ाई कर ली बच्चे ने, उसका वहीं तक सर्टिफिकेट इसमें दे दिया जाएगा। और इसमें दूसरा ये है कि जैसे अलग अलग स्ट्रीम बनाई हुई है, साइंस स्ट्रीम है, कॉमर्स है, अब बच्चा है अगर साइंस के साथ आर्ट्स का सब्जेक्ट लेना चाहे तो आर्ट्स का भी ले सकता है। जैसे न्यू एजुकेशन है, जैसे मैथ का था ना भी, आर्ट्स वाला मैथ ले सकता है, पहले तो एक अल्टरनेट था। अब बच्चा सोचता है भी मैं तो है ना एक फिजिक्स ही पढ़ना चाहता हूँ, केमिस्ट्री बायो ना ले, वो दूसरे आर्ट्स के सब्जेक्ट भी, आसान सब्जेक्ट भी ले सकता है। इसका कारण यह है कि हम जो हमारा टारगेट है जो 2020 तक मतलब हर बच्चा पढ़ा लिखा हो, वो क्वालिफाइड हो, कोई भी अनपढ़ ना रहे, और जो हमारी जो जीडीपी है उसका 6% है राज्य और सरकार, केंद्र सरकार इस पर खर्च करेगी, और इसमें आने वाले समय में हम आज के अनुरूप मतलब जो शिक्षा का असली महत्व है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना और आने वाली चुनौतियों का सामना करना है। अब हम इसमें देख रहे हैं कि हम काफ़ी पिछड़ते जा रहे थे पिछले काफ़ी सालों से, और अब निरंतर हम एजुकेशन में सुधार हुआ है और टीचरों को भी नई मतलब एजुकेशन के बारे में बार बार ट्रेनिंग दी जाती है, नए कंसेप्टों के बारे में बार बार ट्रेनिंग दी जाती है। अब हम देख रहे हैं कि पहले हमारे बच्चे जो कि भौतिक मूलभूत सुविधा शिक्षा से भी वंचित थे, हिंदी पढ़ना या पहाड़े गिनती, अब हम देख रहे हैं कि हमारे स्कूलों के अंदर ऐसे प्रोग्राम चल रहे हैं जो पहले चलते थे कि जो पहाड़े हैं 1 से 40 तक के पहाड़े बच्चे प्राइमरी तक के याद कर रहे हैं, उनके कंपटीशन करवाए हैं, टीचरों के भी करवाए हैं, उसके अंदर गिनती का ज्ञान जिसमें पहाड़े 1.25 का पहाड़ा, 1.5 का पहाड़ा, 1.25 का, 1.25 का, 2.5 का, ये भी हमने शुरू कर रखे हैं, और ये कंपटीशन भी बिल्कुल बिल्कुल जो मतलब हम इसमें मिक्स है, जो पुरानी गुरुकुल पद्धति थी उसका भी समावेश हम ले रहे हैं, और जो आज टेक्निकल जो युग आ गया है, आईटी का युग आ गया है, इसमें भी हम उसमें भी इसको ले रहे हैं। और कोरोना काल में हमारे दीक्षा का जो ऑनलाइन प्रोग्राम था, जो लेसन थे, वो आज भी हमारे यहाँ चल रहे हैं, और वहाँ पर जहाँ पर हमारे स्टाफ की शॉर्टेज है, मान लो किसी स्कूल में कोई मैथ का नहीं है, किसी में साइंस का नहीं है, तो किसी टीचर से वो ऐप से हम बच्चों को दिखा सकते हैं, और सारे स्कूलों के अंदर स्मार्ट बोर्ड लगा दिए गए हैं, तो बच्चों में उससे काफ़ी जिज्ञासा बढ़ी है। जो एक टीचर जो अकेला बोर्ड पर करवाता था और आज स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ा रहा है, तो बच्चे स्मार्ट बोर्ड खुद चला करके भी उसमें आपके क्वेश्चन सोल्व करते हैं, अपने लिखते हैं, तो उसमें बच्चों की काफ़ी कुछ रुचि बढ़ी है, जो पहले इस तरफ हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे। और इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या है, एक नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया गया, एक जैसा पाठ्यक्रम होगा सारे इंडिया के अंदर, और उसमें कोशिश करी जाएगी कि हिंदी इंग्लिश तो है ही है, एक तीसरी भाषा और जो कि दूसरे किसी भी राज्य से संबंधित हो उसको भी जोड़ दिया जाएगा। वो बच्चों पर निर्भर करता है कि वो बच्चे तीसरी जो भाषा है उसको सीख लेते हैं या उसमें एडमिशन लेना है या नहीं लेना, किसी भी राज्य की एक भाषा इसमें हम तीसरी भाषा के रूप में भी चुन सकते हैं।